यार हम जा रहे हैं इस टाइम पर लक्ष्मण झूला, जो कि अभी हमने यहाँ पे फोटो शूट किया। फोटो शूट करने के लिए सबसे बेस्ट जगह है और काफ़ी मज़ा आया और काफ़ी सारे फोटो शूट करे और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया फोटो शूट करके। हमारे पीछे पड़ता है इधर की साइड ये। अब हम इस टाइम जा रहे हैं लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला क्रॉस करने के बाद हमें जाना है फिर गोवा बीच। गोवा बीच की वीडियो में अलग डालूंगा और काफ़ी मज़ा आने वाला है। और हमें यहाँ पे हो चुके हैं 2 डेज, जो कि बस 2 डेज के लिए बहुत है। 2 डेज के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आप 2 डेज के लिए अगर आप आ सकते हो तो 2 डेज के लिए बहुत है। बाकी राम झूला जो कि हिलता बहुत ज़्यादा है और काफ़ी अच्छा है। लक्ष्मण झूला भारी है। क्या कह रहे हो यार? राम झूला का क्राउड आप देख ही सकते हो यार, कुछ इस तरह से दिखता है राम झूला, कुछ इस तरह से दिखता है। काफी अच्छा है और ये हिलते हुए नजर आ रहा है। और यार क्राउड आप देख सकते हो, व्यूस यार यहाँ का कुछ इस तरह से होता है। उधर उस साइड हो रही है राफ्टिंग और सेफ्टी के लिए, यार राफ्टिंग के लिए काफ़ी बेस्ट जगह है। लोग वहाँ अगर देख सकते हो राफ्टिंग हो रही है। यार कुछ फॉरेनर जो कि धागे बांध रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे फॉरेनर बहुत ज़्यादा है, फॉरेनर बहुत ज़्यादा है। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है राम झूला। और मैं आपको दिखाता हूँ जो सामने नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे ये राफ्टिंग हो रही है, कुछ लोग राफ्टिंग कर रहे हैं। और ये सामने जो पड़ता है ये गोवा बीच है, और गोवा बीच पे जो क्राउड है ना वो बहुत ही ज़्यादा क्राउड है। और सेफ्टी के लिए काफ़ी अच्छा है। और काफ़ी मज़ा आ रहा है, जो एक यहाँ पे जो फील है ना काफ़ी अच्छी ठंडी, जो इधर से हवा आ रही है इस साइड से हवा आ रही है वो काफ़ी ठंडी हवा आ रही है। और राफ्टिंग के लिए वो बेस्ट है, लोग राफ्टिंग कर रहे हैं, हम राफ्टिंग कर चुके हैं, राफ्टिंग की वीडियो में डाल चुका हूँ। और बने रहिए हमारे चैनल पे, चैनल बने रहिए हमारे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो फर्स्ट टाइम आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। और यहाँ का जो व्यूज़ है ना, जो व्यू है वो कुछ इस तरह से है। जो राम झूला है ना वो इस साइड पहाड़ और काफ़ी अच्छा है। और यार राम झूले भीड़ बहुत ज़्यादा है यार, काफ़ी मज़ा आ रहा है। हवा तो लग रही है ना यहाँ पे, बहुत ठंडी ठंडी हवा लग रही है। गर्मी के लिए बेस्ट है, मौसम ठीक है, नॉर्मल मौसम है, लेकिन गर्मी के लिए बहुत बेस्ट है। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा ऋषिकेश का। और उस साइड कुछ घाट बने हुए हैं, कुछ इस साइड जो सबसे ज़्यादा क्राउड है ना वह गोवा बीच पे है। और काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और कुछ इस तरह से दिखता है। ये फिशिंग की, Thank you.